मिल गया पत्रकार पटनार। अरे पोपटलाल कमाल है, तुम कपड़ के अंदर, मतलब तुम घर में ही थे। कमाल है पोपटलाल, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, हॉल की लाइट चालू करके तुम कपड़ में जाके छुप गए थे। तुम भी कमाल करते हो पोपटलाल, पांडे जी कितना परेशान हो रहे थे, सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे थे, पता है तुम्हें। वाह मास्टर जी वाह, क्या एक्टिंग करते हो, इतनी भी अच्छी नहीं करते कि टीवी में आ जाओ। एक बात बताइए मास्टर जी, आप सचमुच के मास्टर हो या मास्टर जी की भी एक्टिंग करते हो? नहीं, मैं सचमुच का मास्टर। मुझसे झूठ के बोला पुलिस को गुमराह करने के लिए? तुम्हारे झूठ बोलने की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। पोपटलाल जी, आप अपने चरण धरती पर स्वयं रखेंगे या हम आपको धरती पर लाएं? ना ना ना, आप कुछ नहीं बोलेंगे। इतने देर कबड में बंद थे, अब आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो ले लीजिए फिर बात करें। मास्टर जी टीवी की ओर तो बढ़ना है। याद है मास्टर जी मैंने फोन पर तुमसे क्या कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। लेकिन मैंने ये भी कहा था ये जेल भी जाएंगे। पांडे जी मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। मास्टर जी तुम्हारे झूठ का सबूत तुम्हारे सामने खड़ा है। देखिए पांडे जी बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देखिए आप जब सोसाइटी में आए थे ना पोपटलाल को ढूंढने के लिए, तब पोपटलाल घर पे नहीं था, वो सच में ऑफिस चला गया था। और जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब भी मैं पोपटलाल के घर के बाहर ही खड़ा था और घर पे ताला लगा हुआ था, पोपटलाल घर पे नहीं था। पांडे जी ये सच ही बोल रहे हैं, आपसे बात करके ये जो नीचे आए ना तभी पोपटलाल Exactly क्या हुआ बताता हूँ मैं। मास्टर जी तो तुमने वापस मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं डर गया था। पता नहीं क्यों लोग हमसे डरते हैं। हम सिविलियंस के लिए खतरनाक हैं, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। सर, हाँ हम क्रिमिनल्स के लिए खतरनाक हैं। हम जनता की मदद करते हैं। हाँ सॉरी सॉरी पांडे जी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। पांडे जी अंजलि में इनसे गलती हुई है, आप प्लीज फॉरेस्ट मत कीजिए तो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं मास्टर जी को अरेस्ट नहीं। थैंक यू पांडे जी। लेकिन पांडे जी आप पोपटलाल को ढूंढ क्यों रहे हो सुबह से, क्या किया है उसने? पांडे जी मैंने बहुत ऑक्सीजन ले लिया, अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। आप सुबह से मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, मैंने किया क्या है? हाँ पांडे जी अब तो प्लीज बता दीजिए कि बात क्या है। हाँ। वो बहन जी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम सवेरे से कहाँ थे?
एक अर्जेंट ऑफिशियल काम के लिए बाहर निकला था। तुम झूठ बोल रहे हो पोपटलाल, मैं ऑफिस गया था, तुम वहां नहीं गए थे। अरे पांडे जी, मैं पत्रकार हूँ, मेरे ऑफिशियल काम ऑफिस में कम, ऑफिस के बाहर ज्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा ऑफिशियल काम आ गया जो अपने ऑफिस वालों को बिना बताए तुम कहीं चले गए? हाँ पांडे जी, हम लोग कल रात से देख रही है, बहुत टेंशन में, पूछा तो बता नहीं रहे। हाँ पोपटलाल भाई, सब बता रहे थे कि कल रात से आप टेंशन में हैं, आखिर बात क्या है? बताता हूँ। ये तो गजब हो गया, छोड़ूंगा नहीं मैं चेतावना को। संभल के बबी दाजी। छील छील रिलैक्स। लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।